दोस्तों, मोदी सरकार में अगर उनकी कोई नीतियों का, उनके कानून का या फिर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर विरोध करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अभी चर्चा का विषय एक होर्डिंग बना हुआ है जिसमें हैशटैग बाय बाय मोदी लिखा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि देश में कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों में अगर मोदी जी को टाटा बाय बाय करने की हिम्मत जब कुछ हिंदू जुटाते हैं तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये खबर काफी चौंकाने वाली है। एक तो योगी जी के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश है, वहीं पर मोदी जी को टाटा बाय बाय करने वाले पोस्टर जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं और ये सभी हिंदू लोग कर रहे हैं। इसलिए योगी जी के एक आदेश पर यूपी पुलिस हरकत में आई और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक पोस्टर इस समय लगातार चर्चा में है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है हैशटैग बाय बाय मोदी। ये पोस्टर कहीं और नहीं यूपी में ही लगाए गए हैं। इस पोस्टर पर आज के हालात लिखे हुए हैं और ये पोस्टर प्रयागराज के हर जगह पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस पोस्टर को लगाने वाले 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मतलब जब मोदी जी के नीतियों का विरोध होर्डिंग के जरिए किया जाएगा तो पुलिस ने ये लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रणविजय सिंह ने लिखा, यूपी के प्रयागराज में अनिकेत, अभय, राजेश, धर्मेंद्र और शिव घर लिए गए। इन खूंखार अपराधियों ने होर्डिंग लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की उत्कृष्ट नीतियों का विरोध किया था। इस गंभीर साजिश के तेलंगाना के फंडिंग का एंगल भी है। यूएपीए लगाकर सख्त सजा दिए जाए। वहीं उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के प्रयागराज में गिरफ्तार 5 अपराधियों, ये वाला होर्डिंग लगाने का दुस्साहस किया। मतलब लोकतंत्र है तो आप कुछ भी करेंगे, बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोलेंगे। दोस्तों, होर्डिंग के जरिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा गया था। पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी सर के इमेज का ग्राफ दिन व दिन बढ़ रहा है, किसान आंदोलन के दौरान आपने कई किसानों की जान। इसके साथ ही लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब के जरिए युवाओं के सपने को मारा जा रहा है। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में हैशटैग बाय बाय मोदी भी लिखा गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस होर्डिंग को हटवा दिया। होर्डिंग में किसानों की मौत, अग्निवीर योजना के जरिए सेना की 4 साल की नौकरी, गैस के दामों को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया था। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें, ये मुद्दे हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है। महंगाई हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये भी युवाओं के लिए कोई खतरा नहीं है। हमारे देश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कुछ भी करे, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं रहा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।